बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या ने भारत आने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है, जिसके चलते उनका यहां आना संभव नहीं हो पाया। विजय माल्या के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में ये बातें कही। माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। पटियाला कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को करेगा। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ 2 बार समन जारी कर पेश होने का आदेश दे चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की याचिका पर विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम के उल्लंघन के मामले में माल्या को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की मिली छूट रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि विजय माल्या बैंकों का बकाया 9000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बिना लंदन भाग गए थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। विजय माल्या ने यहां कोर्ट के सामने पेश होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन माल्या का ये बयान ईडी और जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा। देखते रहे ईडी भी लाइव।